ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जेल प्रशासन, जेल प्रशासन, जेल प्रशासन, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। जेल वालों की क्या मैडम? चलो लेकर आप जेल के बाहर खड़े और नारेबाजी भी कर रहे हैं आप, दो तीन घंटे हो गए आपको। परसों के दिन हमारे भैया वीरेंद्र प्रताप सिंह चौहान को यहाँ पे देवास लाया, जेल लाया गया था। 34(2) की धारा लगी हुई थी उनके ऊपर। अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला तो हमको पहले दिन जब यहाँ मुलाकात लेना है तो मुलाकात नहीं दी गई। फिर यहाँ से गेट पे से बताया गया कि भैया की जो पैसे की डिमांड है, पैसे की डिमांड के बाद ही तुम्हारे को मुलाकात दी जाएगी और उनको सेल में डाल दिया जाएगा। किस व्यक्ति ने पैसे की डिमांड करी और क्या बात? आनंद, आनंद नाम के एक व्यक्ति ने पैसे की डिमांड करी। फिर मैंने उसको, उसने 50,000 रुपये की डिमांड करी। मैंने बोला 50,000 की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं शाम तक भैया आपको लाके कर दूंगा। फिर भी दोपहर में लॉकअप होने के बाद इनने उसको, भैया को 20 में से निकाला, वहाँ लॉकअप में से निकाला, 20 के अंदर ले गए और 4-5 लोगों ने मारपीट करी। क्या नाम है उनके? एक आनंद, सुरेश, चार पांच लड़कों ने मारपीट करी। ये लोग कौन है जिन्होंने मारपीट की? ये वहीं के लोग हैं, अंदर मियादी लोग हैं, मियादी बंदे जो पैसे की सेटिंग वगैरह करते हैं। आपने कितने पैसे दिए? फिर आके शाम को मैं आया और शाम को मेरे को नहीं पता इस घटना में क्या हुआ। फिर शाम को मैंने 20,000 रुपये दिए। इन्हें बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद फिर सुबह अभी देखा उसको चोट के निशान है, उसको मारपीट करी उसका। अभी आपकी मुलाकात हुई? आपके उसकी मुलाकात हुई। क्या बताया उन्होंने किस तरह से? उसको 3-4 जगह चोट के निशान है, उसने बताया लोकअप में से। उसको फिर 20 में ले गए लोकअप होने के बाद दोपहर में। इसकी किसी को उच्च अधिकारी को शिकायत की आपने? अभी किसी को शिकायत नहीं करी। अब मैडम से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ हमारे भाई के साथ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं उसका मेडिकल हो, मेडिकल हो, मेडिकल हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये जो पैसे लेने देने वाली जो बात है, क्या यहाँ पे पैसे लेके काम किया जाता है? पैसे ले, मुझे तो ये बताया गया कि सेल में ही डाल के रखेंगे, जब तक पैसे नहीं दोगे बाहर नहीं निकालेंगे। खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। पहले कई शिकायतें भी हुई है। आनंद नाम के लड़के ने मेरे से रुपए लिए, मैंने उसको रुपए दिए सामने वाली खिड़की में। क्या नाम है आपका? उत्तम सिंह चौहान। क्या लगते हैं आप? मैं उनका भाई हूँ छोटा। कहाँ के निवासी है? बालगढ़। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अंदर कैदी के साथ मारपीट की गई है, पैसे मांगे गए थे, पैसे ना देने में मारपीट की है और साथ में 20,000 रुपये भी लिए गए। चलिए मेरे को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन हाँ कुछ गंजियों का आपस में, एक दो गंजियों का आपस में कुछ विवाद हुआ था, उसकी जांच कर रहे हैं। जैसे की जाँच आएगी तो बताएंगे। एक बंदी का नाम लिया जा रहा है, आनंद नाम का है, आनंद का मंगल, और उसको बताया जा रहा है कि वो यहाँ जेल प्रशासन के लिए वसूली का काम करता है। अब ये तो कोई भी आरोप कुछ भी लगाएगा, उसके बारे में क्या बोलूँगा? कुछ जांच वाँच करेंगे आप? जहाँ जाँच तो करेंगे। जेल अधीक्षक सामने क्यों नहीं आ रही है? जेल अधीक्षक का सामने नहीं आ रही है। मैं हूँ तो क्या आपको क्या लग रहा है? अच्छा ये बताइए, जो आरोप लगाए इस पर कोई मेडिकल वगैरह होगा अभी? नहीं, वो तो जांच करेंगे ना, जो भी जांच में जो भी जरूरी चीज़ें होंगी वो सारी जांच में होगी। मेडिकल भी तो सबसे प्रारंभिक होता है। बता रहा हूँ आपसे कि भाई जो भी मेडिकल हो या कुछ भी हो, जैसी भी जांच में जो भी आवश्यकता होगी वो सारी चीज़ें होगी। नहीं, ये खबर है कि वीरेंद्र प्रताप को चोटें आई है, आपने देखा? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो भी चीज़ की होगी, नहीं मारपीट तो होगी ना आपस में? अभी आप भाई उसकी जांच करेंगे, देखेंगे, मारपीट होगी, आवश्यकता होगी, मारपीट तो हुई है, ये लोग मिलने गए थे बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं भी तो आपको बता रहा हूँ ना कि भाई जो भी लगता है बड़ी लापरवाही जेल के भीतर जो इस तरह से आपका सोचता है, मैं आपको समझ मेरे मुँह में क्यों ले लूँ? ठीक है तो भाई जी। Thank you.